हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। पृथ्वी की कक्षा में पहुंचा भारत का आदित्य L1, शुरू की L1 पॉइंट की ओर 125 दिन की यात्रा। खबर है कि भारत का सूर्य मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया है और उसने L1 पॉइंट की ओर 125 दिनों की यात्रा शुरू कर दी है। आदित्य L1 पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर रहेगा और सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करेगा। यह न ही सूर्य पर लैंड होगा और न ही सूर्य के इससे ज्यादा करीब जाएगा। बता दें कि श्रीहरिकोटा से ही आदित्य L1 लॉन्च हुआ था। G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए होंगे रवाना। खबर है कि दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 7 सितंबर को भारत के लिए रवाना होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडेन G20 सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। हिमाचल में इस साल बारिश के चलते अब तक गई 400 लोगों की जान, 2500 घर हुए क्षतिग्रस्त। खबर है कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 24 जून को मॉनसून की शुरुआत के बाद से बारिश के चलते आई आपदाओं में करीब 400 लोगों की जान गई है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बता दें कि बकौल मंत्री 2500 घर पूरी तरह से जबकि 11000 से अधिक घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव से पहले एक देश एक आय लाएं पीएम मोदी। खबर है कि बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक राष्ट्र एक चुनाव लाने से पहले एक देश एक आय लाने और इसके लिए कमेटी बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाद में यह राज्यों का चुनाव खत्म कर देंगे और एक देश एक लीडर, एक देश एक पार्टी लाने की बात कहेंगे। अपने जवानों से आर्मी ने कहा, छुट्टी के दौरान समाज सेवा करें। भारतीय सेना ने जवानों से राष्ट्र निर्माण के प्रयासों को बल देने के लिए छुट्टी के दौरान समाज सेवा करने को कहा है। एक पत्र में कहा गया है कि सैनिकों के पास विशेष कौशल होता है जो नागरिकों को प्रभावित कर सकता है। उन्हें तिरंगे व ट्रैफिक नियमों पर लेक्चर और रक्तदान शिविर आयोजित करने जैसी सलाह दी गई है। सभी कमांड मुख्यालयों को यह पत्र लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में भी जल्द लागू हो सकता है UCC। खबर है कि उत्तराखंड के बाद अब UP में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मामले में योगी सरकार जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी विधि आयोग जल्द ही नए सिरे से UCC को लेकर अपनी सिफारिशें योगी सरकार को सौंप सकता है। आयोग ने पहले ही कहा था कि आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करें जो सभी धर्मों को स्वीकार करता हो। राज्यसभा जा सकते हैं कुमार विश्वास। खबर है कि यूपी के आगरा के वरिष्ठ बीजेपी सांसद हरिद्वार दुबे की निधन के बाद खाली हुई उनकी सीट पर उपचुनाव होने वाला है और इस सीट से बीजेपी कुमार विश्वास को राज्यसभा भेज सकती है। बीजेपी इस सीट के लिए कुमार विश्वास समेत 10 नामों पर विचार कर रही है। 5 सितंबर तक प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख 8 सितंबर है जबकि 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।